हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर सिंदूर में एक चीज रख दिया जाए तो आपके लिए, आपके पति के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद शुभ होगा। क्या आप ऐसी बात या चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही बताएंगे कि सिंदूर गिरने से क्या होता है और एक ऐसी गलती महिलाएं अक्सर मांग में सिंदूर लगाते वक्त कर देती हैं, परंतु इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट लाती हैं, खासकर आपके पति से बिछड़ाव का कारण बन सकती हैं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय सिंदूर दान की खास विधि का महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इस रूढ़वादिता को नहीं मानते, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं को केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, अपितु इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है जिससे शरीर पर लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है। इससे नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। साथ ही सिंदूर लगाने से सिर में दर्द, अनिद्रा और अन्य मस्तिष्क से जुड़े रोग भी दूर होते हैं। विज्ञान के अनुसार भी महिलाओं को विवाह के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी की मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के उन नियमों को जिनका पालन हर महिला को करना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर वन, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने रुपयों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से अच्छा नहीं होता। वहीं किसी अन्य का दिया हुआ सिंदूर अगर महिला लगाती है तो इससे सिंदूर लगाने वाली महिला के पति को उसके व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती, उसके पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही पति पत्नी में कलेश अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर दो, चाहे कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो लेकिन किसी शादीशुदा महिला के मांग का सिंदूर अपनी मांग में कभी नहीं लगाना। अगर आप किसी दूसरी महिला के मांग से सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाती हैं तो आपके पति गलत रास्ते पर चले जाएंगे और आपका सिंदूर बट जाएगा। दोस्तों, नंबर तीन, शास्त्रों के अनुसार उपहार में मिला हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जितना हो सके उस सिंदूर को लगाने से बचना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अगर उपहार में दिया हुआ सिंदूर घर पर है तो उसे घर के मंदिर में रख दें और किसी भी देवी देवता को रोजाना लगाएं। इससे आपके सुहाग पर कोई भी आंच नहीं आएगी। हर शादीशुदा महिला को उसके पति द्वारा लाया गया सिंदूर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर चार, किसी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जब महिला नहा ले, पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात हर महिला के लिए, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो अपनी मांग में सिंदूर लगाते वक्त अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचकर लगाएं। इससे उनका भाग्य और ही अधिक प्रबल होगा। और मांग में सिंदूर लगाते समय माँ पार्वती को आप सबसे पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों, नंबर पाँच, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए सिंदूर को हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे सुरक्षित जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ नहीं लगाएंगे और आपका सिंदूर गिरने से बच सकता है। दोस्तों, नंबर छह, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी अन्य के सामने लगाती है तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। पहले के मुकाबले आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है, साथ ही आपके पति का प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर सात, अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए तो यह शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पोंछती हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाक पर सिंदूर गिरना यानी आपको अपने साथी से खूब प्यार मिलने वाला होता है। नंबर आठ, दोस्तों, अगर गलती से आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो इसे इकट्ठा करके नाली या गंदी जगहों पर ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके अपने माथे से लगाकर किसी स्वच्छ जगह, किसी
पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़, नीम के पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप सिंदूर को किसी नाली या गंदी जगह पर फेंकती हैं तो इससे आपके पति को ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर 9, दोस्तों सासों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसे उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। जिस ऊंचाई को वह छूना तो चाहता है पर वहां तक कभी पहुंच नहीं पाता तथा हमेशा वो असफल ही रहता है। समाज में रिश्तों के बीच वो छुपकर ही रह जाता है। जितना आप सिंदूर लंबा लगाएंगी और माथे की तरफ ही लगाएंगी उतना ही आपके पति का भाग प्रबल हो जाएगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर की बिंदी लगाने से स्त्रियों की शक्ति जागृत हो जाती है। दोस्तों नंबर 10, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव सिंदूर नाक के सिधान पर ही लगाना चाहिए। कभी कभी जब महिला टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा लेती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर सकता है। नंबर 11, हर नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उसको सिंदूर मिलता है वो सिंदूर थोड़ा सा संभाल के हमेशा रखें, और जब कोई विशेष काम या कोई विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस विवाह में मिले सिंदूर को जरूर लगाएं। जो आपकी विशेष कार्य हो उनमें वह सिंदूर सफलता दिलाता है। दोस्तों नंबर 12, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या जो भी मेकअप करने वाले होते हैं वो खुद ही सिंदूर महिला की मांग में लगा देते हैं, परंतु ये भी अच्छा नहीं होता। आप उन लोगों का आचार व्यवहार नहीं जानती, तब भी आप उनसे अपने मांग में सिंदूर लगवा लेती हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आपको खुद से ही लगाना चाहिए। दोस्तों हफ्ते में कम से कम एक बार अपने पति के हाथ से मांग में सिंदूर भरवाएं। यह सिंदूर आखिर आप अपने पति के लिए लगाती हैं? आमतौर पर पति सिर्फ शादी वाले दिन ही महिला की मांग भरता है, उसके बाद महिला अपने हाथ से सिंदूर लगाती है, लेकिन बीच बीच में पति के हाथ लगने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए बीच बीच में अपने पति के हाथ से भी सिंदूर लगवाया करें। दोस्तों आपके लिए एक नई जानकारी, यदि आपको या किसी कुंवारी कन्या को सपने में सिंदूर दिखता है तो ये बहुत ही शुभ सपना होता है। सपने में मांग में सिंदूर भरते देखना ऐसा माना जाता है, इससे आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ घटना घटने वाली है तो उस अशुभता का प्रभाव खत्म हो जाता है। इतना अच्छा होता है सपने में सिंदूर। यदि किसी कुंवारी कन्या को सिंदूर का सपना आता है तो उसका मतलब है कि उस कन्या को का जीवन साथी बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर, आकर्षक, अच्छे विचार वाला होगा। दोस्तों यदि आपके घर में आपके पति से नहीं बनती या घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई होती ही रहती है, छोटा मोटा कलेश चला ही करता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का निशान बना लें। इससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, साथ ही आपके पति की उन्नति ही उन्नत होगी। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोजाना अपने मांग में सिंदूर नहीं लगा पाती तो आप अपने घर में होने वाले छोटे बड़े त्योहार, शादी की सालगिरह में अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है। यदि आप अपने मांग में सिंदूर लगाकर कोई भी पूजा पाठ करती हैं तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आप ऐसी ही अनोखी जानकारी रोजाना सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरे द्वारा डाली गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।